गुजरात में विकास के नाम पर कई किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। गुजरात में कई जगहों पर बिजली की तार बिछाने का कार्य प्रगति पर है, जिसके फलस्वरूप किसानों के खेतों में यह कार्य हो रहा है, खंभे भी लगाने का कार्य हो रहा है, जिसके चलते किसानों को मुआवजा नहीं मिलने और किसानों से अनुमति के बगैर काम करने की फरियाद लेकर किसान आंदोलित हैं। आज एक बुजुर्ग महिला बताती हैं कि उनके 8 बीघा के खेत के बीच में खंभे लगा दिए गए हैं, जिनकी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई और उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया। बड़े अधिकारियों से बात की तब अधिकारियों की तरफ से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 8 बीघा की जमीन में वह खेती करते हैं, जिसमें सारा खर्च निकलना बहुत ही मुश्किल है। इस महिला की 9 बेटियां हैं। उनका कहना है कि वह बेटियों की देखभाल करें कि इन सारे पछड़ों में पड़े। महिला के खेतों में जाने की भी इजाज़त नहीं दी गई और फलस्वरूप उनकी सारी खेती चौपट हो गई। अन्य एक महिला बताती हैं कि बटू गांव से लकड़िया जा रही बीज लाइन के बीच उनके खेत भी आते हैं। उनके खेत में भी इसी तरह से उनकी परमिशन के बिना खंभे लगा दिए गए। हालांकि उन्होंने खेत बंद कर रखा था, बावजूद इसके ताले तोड़कर बगल की फेंसिंग काटकर जमीन से बड़ी बड़ी मशीनें उनके खेत में लाई गई और उनकी बड़ी पूरी खेती को बर्बाद कर दिया गया। અહીં ભટકામથી લકડિયા જે વીજ લાઈન જાય છે, JKTL કંપનીનો પ્રોજેક્ટ છે, તેમાં અમારું પણ ખેતર વચમાં આવે છે, સુમરા તરગડીમાં, અને અમારા ખેતરમાં પણ થાંભલો વચ્ચે પડે છે, ત્યારે અમે લોકોએ પણ આવી રીતના વિરોધ કર્યો હતો, અમને કોઈ વળતર આપવામાં આવ્યું નહોતું, કોઈ અમારી કોઈ મંજૂરી જ લેવામાં આવેલી નહોતી, અને જ્યારે અમે લોકોએ વિરોધ કર્યો કે અમે લોકોએ ના પાડી અમારા ખેતરમાં આવવાની, ત્યારે અમારા ખેતરનું તાળું તોડી અને બાજુમાંથી શેડામાંથી જે અમારી ફેન્સિંગ કરેલી છે એ ફેન્સિંગ કાઢી અને તોડી અને એમાંથી JCB લઈ ગયા છે અને ખેતરમાં ગમે ત્યાં ગમે તેમ બગાડ કર્યો છે। આ બાબતે તંત્રને તંત્રને અમે લોકોએ રજૂઆત કરી છે અને અમે લોકોએ અમને લોકોને કોઈ મદદ મળી નથી ત્યાંથી। અમને એમ જ કહેવામાં આવેલું હતું કે સરકારશ્રીનું કામ છે એટલે તમે આમાં કંઈ કરી ના શકો। यह सिलसिला पिछले कई दिनों से गुजरात में चल रहा है और गुजरात की कमोवेश कई जिलों में यही स्थितियां हैं। आज आंदोलित किसानों ने दंडवत प्रणाम करके खंभे को प्रणाम किया और अपना विरोध जताया। उन्होंने कई अधिकारियों से भी बात की, लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।